ये मेरे पीछे जो आप नदी देख रहे हो, इसको सूखी नदी बोलते हैं यहाँ के लोग। तो बेसिकली ये नदी जहाँ से आ रही है, हम इसके तकरीबन उसी पॉइंट पे जाने वाले हैं। और वो रास्ता एक्चुअली बड़ा एडवेंचरस है। और ये विक्रांत है हमारे फ्रेंड, ये हमें वहाँ लेके जाएंगे। तो कैसा रास्ता है वहाँ का बताइए। हाँ, वैसे तो जनरल डेज में तो ऐसा अच्छा रहता है, लेकिन अभी जैसे बरसात चल रही है तो थोड़ा पानी का बहाव ज़्यादा है, तो कार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम बाइक भी यूज़ करते हैं। तो हम कार से नहीं जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पानी का बहाव थोड़ा तेज आ रहा है। तो कोई नहीं, आज हम कार से नहीं जाएंगे, बट बाइक का सफ़र करके देखते हैं। अच्छी जगह है, जंगल के बीच में है, रिजर्व फॉरेस्ट से। कौन सी रेंज होती है? चीला रेंज। ये चीला रेंज है बेसिकली। तो लेट्स सी कैसी जगह है और कैसा रास्ता है, और एक नई जगह है गर्मियों में घूमने के लिए, हम दिखाते हैं आपको। अभी हम लोग बैठते हैं गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ गए, और अभी हम जा रहे हैं विक्रांत घर एक्चुअली। और विक्रांत की बाइक या स्कूटर से हम लोग फिर निकलेंगे अपने आगे के सफ़र पे। तो अभी लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। हमने विक्रांत के घर अपनी कार पार्क कर दी है और पीछे, और ये हमारा स्कूटर है, वो विक्रांत बाइक पे है। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। इतनी गर्मी हो रही है, तो मैंने विक्रांत से बोला कि आज एकदम गाड़ी से निकल के भी गर्मी बहुत लगती है ना, तो सोचा कहीं लस्सी पी जाए। तो ये शौक है यहाँ पे हमारे लिए, ताज़ी लस्सी बनती है। आपको लस्सी दिखाते हैं कैसे बनती है, और आज मेरी लस्सी पी जाएगी, ट्राई करते हैं कैसी है। ताज़ी लच्छी है, दही थोड़ी रखी हुई है, खट्टी हो रही है, बट ऑल दो ओके। एक्चुअली क्या हुआ, जो चौकी है ना, चौकी पे उन्होंने हमें रोका, तो एक 30 रुपीज़ की एक स्लिप काटते लोग अंदर आने के लिए। तो हमने बोला कि हमें अंदर जाना है और मंदिर पे, तो उन्होंने बोला कि अभी आप जा सकते हो बट पानी बहुत ज़्यादा है, आपका अपना रिस्क होगा। मैंने कोई नहीं, ट्राई कर लेते हैं, अगर जा पाए तो चले जाएँगे, नहीं जा पाए तो नहीं जाएँगे। तो वहाँ पर 2-3 और वन विभाग के कर्मचारी बैठे हुए थे, दे टोल्ड मी कि कैमरा एंड वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। तो मुझे नहीं पता क्यों अलाउ उन्होंने ऐसा मना किया, क्योंकि ये कोई ऐसा जगह तो नहीं है कि इसको बाहर ना आने पाए, या यहाँ की वीडियो बाहर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट जंगल के बीच में एक मंदिर तक जाने की वीडियोग्राफी क्यों अलाउ नहीं होनी चाहिए, ये मुझे समझ नहीं आता। बट हम आपको शूट करेंगे पूरा, और मैं रास्ता दिखाता हूँ कितना सुंदर है, कितना शानदार है, और आपको मंदिर तक लेके चलते हैं। आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ ज़रूर आइए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सुरेश्वरी देवी मंदिर, और हम अब पैड़ियों पे शुरुआत करते हैं।
और इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे, तो आपके आप लोगों को पता लगे इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी, कैसे यहाँ सुरेश्वरी माता जी कैसे विराजमान हुई थी, उनके साथ शिव जी भी हैं यहाँ पे, वो शिव जी जो शिव जी हैं वो किताब बनाए थे, क्या हुआ था, तो उस पूरे इसके बारे में हम एक बार जानने के लिए चलिए आइए, चलते हैं ऊपर मंदिर और आपको दर्शन कराते हैं। ये सुरेश्वर महादेव जी हैं, सुरेश्वर महादेव सुरेश्वरी माता के साथ साथ विराजमान हैं यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे आके खड़े होके देखें तो सुरेश्वर महादेव से सीधा सुरेश्वरी माता की छवि हमें दिखाई देती है। कई सालों पुराने यहाँ पे जिस तरीके से हुआ करता था, तो आपको कुछ वो फोटोग्राफ्स हम लोग दिखाने वाले हैं। ये माँ भगवती का पौराणिक सिद्ध पीठ है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। यहाँ पर देवताओं के राजा इंद्र जी ने तप किया था, तब माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए थे। जब देवराज इंद्र जी का देवलोक जो है उनसे छिन गया था, राजा रजि के पुत्रों से लड़ाई में हार गए थे देवराज इंद्र, तो क्षीर सागर में जाके छुप गए जहाँ भगवान विष्णु जी निवास करते हैं। तो वहाँ देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें बताया कि आप जो है भगवान विष्णु जी की स्तुति करो, आपको कोई उपाय बताएंगे जिससे आपको अपना राज्य प्राप्त होगा। तो भगवान जो है इंद्र जी ने क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी की स्तुति करी, भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। विष्णु भगवान जी ने देवराज इंद्र जी को बताया कि आप गंगा जी के पश्चिम भाग में जाओ, जहाँ सूरपुट पर्वत पर माँ भगवती निवास करती हैं, ये चारों तरफ सूरपुट पर्वत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि इस स्थान पर अगर आपके तप से माता प्रसन्न हो गई तो आपको अपना राज्य पुनः प्राप्त होगा। तभी जो है भगवान विष्णु जी के परामर्शानुसार देवराज इंद्र जी ने यहाँ तप किया, माँ ने उन्हें दर्शन दिए। माँ ने कहा है मेरा ये सिद्धपीठ जो है शीघ्र फल देने वाला प्रसिद्ध होगा, और यहाँ पर आज के बाद मैं देवताओं की देवी के नाम से जानी जाऊँगी, इसलिए माँ यहाँ पे सुरेश्वरी यानी देवताओं की देवी जो है इस नाम से प्रसिद्ध है। तो आज YouTube की हिस्ट्री में आपने पहली बार यहाँ का इतिहास जाना, पंडित जी ने आपको बताया, और ये मेरे पीछे जो पूरा मंदिर है इसका विहंगम दृश्य आप देख पा रहे होंगे। इट्स अ नाइस टेम्पल, चारों तरफ एकदम डेंस फॉरेस्ट है। आने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए होती है, आपको 30 रुपीज़ की एक इनको रिसीट लेनी होती है, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं उनके लोग बाहर बैठे होते हैं और वो आपको रिसीट काटते हैं तब आप अंदर आते हैं। रास्ता मैंने आपको दिखाया कैसा है, और कार का तो फ़िलहाल नहीं है, बट यू कैन टेक योर टू व्हीलर टू कम हियर। और गर्मियों में जगह अच्छी है, बाहर से तो खैर टेम्परेचर बहुत डाउन ही होगा। एनीवे आप आइए, इस मंदिर का नाम है सुरेश्वरी देवी टेम्पल, और आज का हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, जल्दी एक दूसरे व्लॉग मुलाकात होती है। दिस इज़ कुंवर शाहिद साइनिंग ऑफ।